जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद चौहान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही जवाब है अमला शंकर, ऑप्शन ए। यहाँ पर आपको बता देते हैं, मशहूर नृत्यांगना अमला शंकर जी का हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया। वो 101 वर्ष की थी। अमला पिछले कुछ सालों से बढ़ती उम्र की और बीमारियों से जूझ रही थी। 1919 में अमला जी का जन्म हुआ था जसोर में, जो कि अब बांग्लादेश में स्थित है। और अमला ने अपनी पहली परफॉर्मेंस साल 1931 में बेल्जियम में दी थी। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 में उन्हें बंग विभूषण से सम्मानित भी किया था। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, 101 वर्ष की उनकी उम्र थी और अमला शंकर जी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। यहाँ पर आप बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि करगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 26 जुलाई। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि करगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अहम दिवस है और भारत में प्रत्येक वर्ष इसे 26 जुलाई को मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच 1999 में करगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ था और इसमें भारत विजयी हुआ था। करगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान के लिए इसे मनाया जाता है और ये हर साल 26 जुलाई को ही मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूर किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 55 करोड़ रुपए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि NHAI ने अयोध्या में सिविल वर्क और सौंदर्यीकरण के लिए 55 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए आगामी 5 अगस्त को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो 5 अगस्त को भूमि पूजन होने से पहले जो है अयोध्या को संवारने के लिए कदम उठाया गया है। सूत्रों के अनुसार NHAI मुख्यालय ने सिविल कार्य और सौंदर्यीकरण के कार्यों के लिए 2 अलग अलग टेंडर जारी किए हैं। इसमें इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण कार्य के लिए क्रमशः 40 करोड़ और 15 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने किस देश के कोच यिन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है? इसका सही जवाब है चीन। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, खेल मंत्रालय और भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन ने चीनी कोच यिन वेई का अनुबंध बढ़ाने का फैसला किया है। यही नहीं, यिन वेई भी भारत में रुककर प्रतिभाओं को तराशने के लिए राजी हो गए हैं। यिन वेई कोलकाता स्थित कोल इंडिया साई की टेबल टेनिस अकादमी में हैं। उन्हें करीब 2.62 लाख रुपीस और 3500 अमेरिकी डॉलर यानी कि 3500 US डॉलर जो होते हैं वो प्रतिमाह के वेतन के तौर पर दिया जाता है और उनको बरकरार उस पर रखा गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है? इसका सही जवाब है हरियाणा। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू जो हैं, उन्होंने 25 जुलाई 2020 को एक घोषणा करी है कि 2021 में आयोजित होने वाले जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे उसके चौथा सत्र जो होगा उसकी मेज़बानी हरियाणा राज्य करेगा। इन खेलों का आयोजन अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकूला में होगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ये भी कहा कि आमतौर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल जनवरी में होते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में हरियाणा ने पहला स्थान हासिल किया था और गुवाहाटी में आयोजित पिछले आयोजन में भी राज्य में 200 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
सवाल है, भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार यानी कि FTA के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है? इसकी सही जवाब है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन और भारत की यहाँ पर बात हो रही है। अब इसको यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि भारत और ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार करार FTA के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को और मजबूत किया जा सकेगा। दोनों देशों के बीच हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई और 14वीं संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति JETCO की बैठक में इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच 2019 और 20 में द्विपक्षीय व्यापार 15.5 अरब डॉलर रहा। 2018-19 में ये जो है 16.87 अरब डॉलर रहा था। अब दोस्तों उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो उसका सही जवाब था अमेरिका। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक द्विदलीय प्रस्ताव पारित किया है जिसमें चीन से अपील की गई है कि वो नियंत्रण रेखा के पास भारत के साथ शांतिपूर्ण तरीके से तनाव कम करें। इस प्रस्ताव को पारित किए जाने से पहले प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम यानी कि NDAA में सर्वसम्मति से संशोधन पारित किया और जिसमें गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित क्षेत्रों में उसके बढ़ते क्षेत्रीय दबावों की निंदा की गई। और प्रस्ताव में इस बात का जिक्र भी किया गया कि भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने और बलों के पीछे हटने को लेकर सहमति बन गई है। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ डॉलर की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए यहां आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शन हैं 40 करोड़ डॉलर, 20 करोड़ डॉलर या फिर 30 करोड़ डॉलर या फिर 10 करोड़ डॉलर। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरण जोश.com।